वाराणसी में एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। आरोप है कि अस्पताल में मरीज की मौत के बाद 5 दिन तक डॉक्टर इलाज करते रहे और रुपए ऐंठते रहे। अस्पताल में तीमारदारों के साथ मारपीट का आरोप भी लगा है। 6 साल की बेटी संजू अहिरवार को बीमार हालत में परिजन छतरपुर जिला से झांसी के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल के डॉक्टर 1,30,000 रुपए लेने के बाद भी अधिक पैसे की लालच में बेटी का सही से इलाज नहीं कर रहे थे। बेटी भर्ती होने के बाद उसकी तबीयत कैसी है कुछ भी डॉक्टर नहीं बता रहे थे। बच्ची की मौत के बाद और पैसों की डिमांड भी की गई है। और बात कर लेते हैं सियाचिन में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह का पार्थिव शरीर आज देवरिया पहुंचेगा। शहीद का अंतिम संस्कार देवरिया के पैतृक गांव बरडीहा दलपत में होगा, संस्कार किया जाएगा, अंतिम संस्कार होगा। और साथ ही प्रभारी मंत्री के साथ मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत विधायक सांसद डीएम एसपी भी मौजूद रहेंगे। सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान का पार्थिव शरीर पहले गोरखपुर पहुंचेगा, फिर गोरखपुर से देवरिया के बरडीहा दलपत गांव ले जाया जाएगा। सियाचिन में तैनात कैप्टन अंशुमान सिंह की मौत टेंट में आग लगने से हुई थी। लखनऊ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तीसरी बार राजधानी लखनऊ आएगी। आपको बता दें कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का प्रदर्शन होगा। 2003-2010 के बाद अब 2023 में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लखनऊ आएगी। खास बात तो ये है कि जब भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लखनऊ आई है तब भी भारत की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। आज शाम 4 बजे कान्हा स्टेडियम में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पहुंचेगी। और यह वक्त चला छोटे से ब्रेक का, आगे देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।